महाभारत के समय भगवान कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए उपदेश भगवद गीता में आज भी उपलब्ध है। यह जीवन के विभिन्न पहलुओं पर ज्ञान और मार्गदर्शन प्रदान करता है, जिसमें रिश्ते भी शामिल हैं। ऐसे में संबंधों को सुधारने के लिए इसके यहाँ बताए गए उपदेश आपके बहुत काम आ सकते हैं। जीवन में रिश्तों का महत्व समय पर समझ जाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इसके बिना धन दौलत और सुख सुविधाओं के बाद भी व्यक्ति हमेशा अकेला और अभागा ही रहता है। अक्सर व्यक्ति उन लोगों की कद्र करना भूल जाता है जो लोग उसे रिश्तों में रूप में मुफ्त में मिल जाते हैं, जिसका परिणाम जीवन की आखिरी पलों में दिखता है। जो व्यक्ति इस पर आंसू बहाने के अलावा और कुछ कर नहीं पाता है। भगवद गीता में श्री कृष्ण द्वारा कहे गए 5 उपदेश आपका मार्गदर्शन कर सकते हैं। 1. आत्मबोध। भगवद गीता में बताया गया है कि सच्चा ज्ञान आत्म साक्षात्कार से शुरू होता है, इसलिए यह जरूरी है कि हर व्यक्ति सबसे पहले खुद को गहरे स्तर पर समझे, क्योंकि किसी के साथ व्यक्ति एवं स्वस्थ संबंध तभी बन सकता है जब वो खुद की इच्छाएं, भय, शक्ति और कमजोरियों को समझता है। 2. आसक्ति और वैराग्य। गीता में वैराग्य को समझाते हुए कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति सुखी तब भूख हो सकता है जब वो वैराग्य हो जाए। इसका मतलब यह नहीं कि वो अपने सारे निश्चय छोड़कर चला जाए, बल्कि सबसे जुड़कर भी किसी का मोह ना रखे। वही अनाशक्ति का अभ्यास करके रिश्तों पर निराशाओं और अपेक्षाओं के प्रभाव को कम किया जा सकता है। अलगाव के लिए जिम्मेदारी होती है। 3. धर्म और कर्तव्य। गीता में व्यक्ति के कर्तव्य को पूरा करने के महत्व पर ज्यादा जोर देती है। रिश्तों के विषय में इसका मतलब माता पिता, भाई बहन, दोस्त जैसे विभिन्न भूमिकाओं में अपनी जिम्मेदारी को समझना और उन्हें पूरा करना है। जब व्यक्ति अपने धर्म के अनुसार कार्य करता है, तभी वो अपने रिश्तों में सकारात्मक योगदान देने में सफल होता है और तालमेल बनाए रख पाता है। 4. कर्मयोग। गीता में कर्मयोग को सबसे महत्वपूर्ण बताया गया है। इसके अनुसार व्यक्ति को फल की चिंता किए बिना निस्वार्थ भाव से अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। रिश्ते में इस सिद्धांत का अर्थ है बदले में कुछ भी पाने की उम्मीद किए बिना सिर्फ देने की भावना रखना। ध्यान रखो, जब हम प्रेम और निस्वार्थ भाव से कार्य करते हैं तो हमारे अधिक रिश्ते वास्तविक और कम लेन देन वाले होते हैं। 5. दूसरों का सम्मान देना जरूरी। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस प्रकार आप अपने लिए दूसरों से सम्मान की अपेक्षा रखते हैं, ठीक उसी प्रकार आपको भी सभी का सम्मान करना चाहिए। इसमें छोटा बड़ा के भेद नहीं करना चाहिए। यह समझ ही रिश्तों में सहानुभूति, करुणा और सहनशीलता की जन्म देती है, जो इसे मजबूत बनाए रखने में जरूरी है।